इसी का नाम है का एक हिस्सा दिखाते हैं। दिलीप साहब बहुत कम बार अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बोले हैं, ये शो उन्हीं में से एक है। दत्त साहब की जिंदगी के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो एक दौर दत्त साहब का वो भी था जिसमें ही यूज्ड टू डू रेडियो इंटरव्यूज। हाँ, और रेडियो सिलोन पे, मतलब BST में भी सब उनका बही खाता देखते थे, रेडियो सिलोन पे भी थे। तो आपकी मुलाकात जहां तक हमारी जानकारी है उस वक्त की है। मुझे ऐसे गुमान नहीं पड़ता कि उसी वक्त की होगी, मुझे तो ऐसे लगता है कि शुरू से ही हम लोग एक दूसरे को जानते थे अच्छी तरह, इसीलिए मुलाकात हुई और वो इंटरव्यू का कुछ मसला था और फिर बात से बात लगती चली जाती है और वाकयात होते जाते हैं। और आप, ही वाज अ वेरी हैंडसम यंग मैन। Yes, so we know. He still is. Now he is more handsome than he ever was. And refuses to look any old. इन्हीं के सेट पे ही मुझे फिल्म एक्टर बनने का चांस दिया गया। कौन सी फिल्म के सेट पे? हाँ, ये यूसुफ साहब की पिक्चर थी, इसके साथ सैगल साहब के साथ, रमेश सैगल के साथ इनकी पिक्चर थी और मैं इनकी इंटरव्यू करने के लिए गया। तो रमेश सागर साहब मुझे कहते हैं कि अरे तुम खुद एक्टर क्यों नहीं बन जाते हो? तो मैंने कहा कि अगर मुझे हीरो का रोल मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। तो उस जमाने में थर्ड ईयर में पढ़ता था जी, एंड इंटरव्यू करता था, तो आपका इंटरव्यू था। तो कहते हैं अच्छा तेरा टेस्ट लेते हैं, हम कर लीजिए। तो मैं गया सेंट्रल स्टूडियो में, सेटल हुआ था, तो वहाँ मैं गया तो मेरे वो कहते हैं तुम ड्रेस पहनो, तो आपकी ड्रेस उन्होंने मुझे दी, मुझे अभी भी याद है आपका जैकेट, आपकी पेंट जो मैं पहनी, आपकी पेंट ज़रा मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही थी यहाँ तक, और स्लीव भी हमने पहन के गया। तो सेट लगा हुआ था, आई रिमेंबर नली जयवंत भी थी वहाँ सेट पे, सैगल साहब भी थे। शिकस्त होगी क्योंकि सैगल साहब की और नलिन जी की शिकस्त। अब मैं जब पहली बार आई वेंट, उन्होंने कहा कि कमरा दरवाज़ा खोल के आने का है और सामने कैमरा है और तुम्हें ये डायलॉग बोलने हैं। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो इतनी लाइट थी तो मुझे समझ नहीं आया कि कैमरा किधर है किधर नहीं है। तो मैं सीधा चल के अपने जल्दी जल्दी डायलॉग बोल के मैं भागा, फिर रूम में जाके मेकअप उतारा और मैं सीधा अपने कॉलेज चला गया जी। तो मैं फिर गया ही नहीं मिलने के लिए सैगल साहब को। तो आप भी जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, जैसे शिकस्त वगैरह जो है दिलीप साहब की तब शूट हो रही थी, तो एक देयर वाज बाकायदा एक स्कूल थी, दिलीप कुमार स्कूल ऑफ एक्टिंग। जी हाँ। वो सिर्फ मेरी कमीज और पतलून पहनने तक थी। But that was a good start. उसके बाद that was well begun is half done. So that was a good start. It helped him out. So how long have you been neighbors? That's all. I think it brought you good luck. Definitely. आप लोग कब से? How long have you been neighbors? I think many years. We have really. I can't really locate कि हम कब दोस्त थे और कब हमारा भाईचारा शुरू हुआ और कब हम नेबर बने। तो नेबर भी ये पड़ोसी इधर से वो और एक चीज मैंने देखी है हमारे ड्यूरिंग अ ट्रबल टाइम्स, यू नो, जो संजू की प्रॉब्लम थी, यू नो, सायरा जी एंड यूसुफ साहब जैसे अपना बच्चा होता है ना, इस तरह मैंने कई बार जब परेशान हो जाता था मैं तो यूसुफ साहब को मिलने चला जाता था। तो जब मैं बातें करता था तो आई कुड फील एंड सी द टीयर्स इन हिज आईज, यू नो, जैसे अपने बच्चे को तकलीफ हो रही है ऐसा महसूस करते थे यूसुफ साहब सारे जी दोनों। के नॉट जस्ट साहब एंड माई सेल्फ बट बिलीव मी के फ्रॉम माई ग्रैंड मदर टू माई मदर, यू नो, मैं एक एक के पास जाती थी खुदा हाफिज रात को करने के लिए। आई हैव सीन देम करवटे लेते हुए घबराहट के मारे उठ के बैठते थे, नमाजें पढ़ते थे। आई मीन द होल फैमिली लव्स दिस फैमिली, ऑलवेज बीन सो वरीड फॉर देम and sort of sharing in the happiness and sharing in the true strife also. Very true.
और फिल्मों से हम आप सब वाकिफ हैं जी, बेशक। कैसे कैसे महाज बनते हैं और कैसे देखते देखते वो ढल जाते हैं, उनकी शक्ल बदल जाती है, और कभी हम कहाँ होते हैं, कभी आप कहाँ होते हैं। एंड आई नो दैट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट, आई हैव एक्सपीरियंस इट, लेकिन द क्रूर मैनर जिस सख्ती से वो आके सुनील को हालात ने, वाकयात ने, और कुछ बने बनाए हुए और कुछ फितरन फितरतन आदमी भी परेशान हो जाता है, इट वॉज वेरी 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 मूविंग, लेकिन ही वॉज फर्म। और अगर किसी से वो बात करता था तो सिर्फ उनसे जो उसके अपने हों और जिस पर सुनील को भरोसा हो कि ये हमारे हैं, और अपने एक मुकर्रर इरादे और किसी रास्ते पर एक जो बना लिया है इन्होंने अपना, तो उस रास्ते पर वो चलता गया चलता गया चलता गया। वेरी हाई रिगार्ड फॉर दत्त साहब और उनका पूरा यूनिट जो है, तो पूरा यूनिट और पूरी फैमिली जो है, हमारी तारीफ तो करें लेकिन वो पसे मंजर चली जाती थी वो बात, और वो कहें कि सब इतने शाइस्ता हैं और इतने अदब से बात करते हैं, और इनके असिस्टेंट्स भी, और पड़ोसी हैं ना, ये साहब तो पड़ोसी एक दूसरे की तारीफ करेंगे ही। हाँ जी, बट यू कैन सी दैट ऑरा, ही इज अ मैन ऑफ गोल्ड, आई वुड लाइक टू से दैट। एब्सोल्युटली, वी कुडंट एग्री मोर विद यू, बट वी हैव टू मेन ऑफ प्योर गोल्ड ऑन द सेट टुडे एंड वी आर डिलाइटेड एंड वेरी प्राउड। दिलीप साहब के बारे में भी और दत्त साहब के बारे में भी, ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन, दे आर, ये एक अलग मिट्टी के लोग थे जो अब कम ही नजर आते हैं। अच्छा, इसके बगैर कोई चारा भी नजर नहीं आता था कि जो समझ में आ रहा है और जैसे आ रहा है और जिस हद तक हो सके उस अच्छी तरह से उसको करने की कोशिश करें, और अगर कोई इम्तिहान आ गया है, कोई मुश्किल आ गई है, तो उससे भी वैसे ही लांग जाओ, गुजर जाओ, पुट द नेक्स्ट फुट फॉरवर्ड एंड कीप ऑन मूविंग। और उसी में मफर था, उसी में निजात थी, रिडम्पशन, कि अगर निकले तो इसी तरह निकलते रहेंगे। दिलीप साहब, आप और दत्त साहब दोनों जो हैं हैव बीन वेरी प्रोमिनेंट, वेरी मार्की लीडिंग मैन ऑफ आर इंडस्ट्री। जी जी। और ऐसा होता है कि आप लोग एक दूसरे की फिल्म देख के फिर आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं कि भाई जैसा आप फरमाएं कि भाई सुनील आपका ये फलां बहुत अच्छा था या फलां कम अच्छा था, या आप कहें यूसुफ साहब आपका ये फिल्म बहुत अच्छी थी आपकी या ये कुछ कम अच्छी थी, डू यू ऑल सिट एंड डिस्कस ईच अदर्स फिल्म्स एज वेल एंड ईच अदर्स वर्क एज वेल? मेरा ख्याल है कि अपनी आपसी फिल्मों को तो हमने डिस्कस नहीं किया, मगर संजू की एक फिल्म मुझे याद है कि यूसुफ साहब और मैंने डिस्कस किया था बैठ के, ये मैंने रेशमा और शेरा भी तो बहुत डिस्कस की थी, ही अप्रिशिएटेड इट अ लॉट। वास्तव फिल्म एक जी हां। तो मैंने आई वांटेड यूसुफ साहब टू सी दैट फिल्म। तो मेरा अपना थिएटर था, आज तो नहीं है, तो यूसुफ साहब और मैं दोनों पिक्चर हमने देखी। पिक्चर देखने के बाद यूसुफ साहब मेरा हाथ पकड़ के बाहर ले आए, तो सामने टेरेस था हमारा थिएटर ग्रुप, तो वहाँ बैठ गए दोनों। तो कहते हैं सुनील तुम बैठो उधर, अभी लेट्स डिसाइड, इसमें देखते हैं सोचते हैं कि कौन एक्टर हो सकता था संजय के बजाय जो ये रोल करता। तो यूसुफ साहब नाम लेते रहे, मैं भी नाम लेता रहा, अल्टीमेटली डिसीजन बिकॉज ही इज़ द मोस्ट सीनियर एक्टर कंट्री, द मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट, इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ अ कंट्री। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब यूसुफ साहब ने ये कहा कि भाई मैं तो इस फैसले पे पहुंचा हूं कि ही इज द ओनली वन हु कुड डू दिस रोल। हमारे भी दिलीप साहब को श्रद्धांजलि।